देखेंगे कैसा है। हाथ से दिखाओ आपको उसकी वजह, ये चीज आपको कोई मशीन वाला नहीं दिखाने का। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाज और फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज मैं अख्तियारपुर गांव में पहुंचा हूं आदित्य भाई के पास में, आदित्य सिवाज जी, जो भाइयों आपकी बार में हरियाणा से जींद से ये भारत उजाड़ा वालों का थ्रेसर लेकर आए मल्टी क्रॉप। तो मैंने जिस दिन लेकर आए थे उस दिन वीडियो बनाई थी, उसके बाद में भाइयों आज जो है सरसों की कटाई में ट्रैक्टर ये थ्रेसर चल रहा है, तो कैसा काम कर रहा वो भी दिखाऊंगे, बाकी भैया से भी मिलवाऊंगे एक बार। ये ट्रैक्टर है भाइयों महिंद्रा 575 पे चल रहा। तो सबसे पहले मैं आदित्य भाई से मिलवा दूँ एक बार। भाई जी क्या हाल है भैया जी? बढ़िया जी भैया। तो यो उजाड़ा से लेकर आए थे उजाड़ा जींद में? जींद से। क्या खास खासियत? तो जी अभी दिखाऊंगा आपको इसकी। अच्छा अच्छा। खासियत में ये है जो हमारे राजस्थानी थ्रेसर है पहले। हाँ जी जी। वे क्या था लगभग मान लो एक कुंटल सरसों निकाल रहे हैं हम, उसमें एक कुंटल अगर नीचे दे रहा सरसों तो लगभग ये मान लो 35-40 किलो बाहर फेंक दे। अच्छा। दाने में, क्योंकि हमारे पास खुद है राजस्थानी कटर, हम खुद चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। पिछले 3 साल से, मतलब 2 साल चलाई वो, फिर पिछले साल कुन्नी के लेकर आए थे। अच्छा। वो मजा नहीं आ पाया उसमें, तो अब की बार ये लेकर आए। आपके ये लेकर आए? ठीक ठीक। इसकी खासियत आपको दिखाऊंगा इसमें ये है कि अगर एक कुंटल सरसों यहाँ निकाल रहा ना जी, बाहर मुश्किल से 100-150 ग्राम। अच्छा। ग्राम किलो में भी नहीं जाता। अच्छा। कुछ आरपीएम पे भी ज्यादा चला रखा ट्रैक्टर? आरपीएम इसके नहीं चलाए, मशीन की खासियत है ये चीज। अच्छा। कि ज्यादा आरपीएम रहेंगे तो ट्रैक्टर दबने का नहीं। राजस्थानी कटर पे क्या 1100 आरपीएम पे ट्रैक्टर चलाए तो दाब मान ले, उसमें भी दिक्कत आवे। इसमें चला 1500 आरपीएम पे। 1500। ये इसकी खासियत है मशीन की। अच्छा। भाइयों तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ ट्रैक्टर के आरपीएम। लोड फ्री है ट्रैक्टर भी? लोड नहीं पड़ रहा। और सरसों का भी भाइयों देखो, अगर अगर किसी को ट्रॉली में भरनी उसके लिए सिस्टम अलग है बिल्कुल, बाकी का वो देखेंगे कैसा है। हाथ से दिखाऊंगा आपको उसकी वजह, ये चीज आपको कोई मशीन वाला नहीं दिखाने का।
आवाज में बिल्कुल आसानी से नीचे से लग रही ये टूट की होगी। बाकी का भाइयों अगर किसी भाई को सरसों निकलवानी हो भैया का नंबर देंगे। आदित्य भाई नंबर और बता दो एक बार फिर। नंबर जी एक है 99-27-20। हाँ जी 51-19। ठीक है। और एक है 80-77-52-89-05। मेरे चाचा जी का नंबर है, पहले वाला नंबर पापा का। ठीक है ठीक। तो भाइयों जिस भाई को भी सरसों निकलवानी हो या गेहूँ निकलवाने हो वो भैया 10-20 किलोमीटर पे देखो काम के ऊपर बात है। बाकी काम की बात ऐसी है अगर मान लो पूरे दिन का काम हमें मिल रहा है बिल्कुल तो 20-25 किलोमीटर भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे दिन का काम मिला तो 20-25 किलोमीटर आराम से चले जाएंगे। जी जी तो इनसे संपर्क कर लियो, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। मशीन का काम लगा मुझे बहुत अच्छा, पूरा संतोषजनक काम है। सरसों भी साफ आ रही, भूस में भी सरसों जा रही। सरसों का तो मैं बता रहा हूँ ये चैलेंज है मेरा। हाँ जी हाँ जी। जो हमारे दौरा अलग एरिया में जितनी भी मशीन चल रही है हाँ बिल्कुल अगर इसका साफ हाँ निकाल दे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बात है। ठीक ठीक तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।